करूँ। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد कौन सा मौजू चल रहा था علوم القران में जी علوم القران में नहीं पीछे से आना पूरा तरतीब से उलूम कुरान में कौन सा मौजू चल रहा था इल्म नुज़ूल कुरान असल मौजू फिर उसमें इल्म तनज़ुलात कुरान इल्म नुज़ूल कुरान में काफ़ी बातें पढ़े उसमें से एक मौजू था इल्म तनज़ुलात कुरान इल्म तनज़ुलात कुरान में तीन मरहले हैं उसमें से तीसरा मरहला है जिसे इल्म तंजीम कुरान कहा जाता है उलूम कुरान की ज़ुबान में उलूमुल कुरान की ज़ुबान में सिर्फ आप इल्म तंजीम कुरान बोलेंगे उमूमन लोग नहीं समझ पाएंगे मुश्किल है ऐसे मुगालते में नहीं डालना बताना हो तो अच्छी तफसील ही से बताना कि उसे इल्म तंजीम कुरान क्यों कहा जाता है बात समझ में आ रही तो इल्म तंजीम कुरान में हम लोगों ने काफ़ी बातें पढ़ी उसमें से एक बात ये बात आई थी कि अल्लाह सुबहान व तआला ने किसी और आसमानी किताब के अलावा सिर्फ कुरान मजीद के साथ ऐसा मामला क्यों रखा कि कुरान मजीद को अल्लाह सुबहान व तआला ने 23 साल की मुदत में वक्फे वक्फे के साथ थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया अल्लाह सुबहान व तआला ने एक किताबी शक्ल नहीं दी ज़ाहिर बात है ये हिकमत जानना ज़रूरी है और कुरान मजीद को पढ़ने के लिए समझने के लिए ये चीज़ भी नहीं जानेंगे तो काफ़ी तकलीफ़ होगी बहुत बड़ा समंदर है उलूमुल कुरान उलूमुल कुरान बहुत बड़े समंदर का नाम है हम लोग मस्जिद में एक प्रोग्राम रखे थे पता नहीं आप लोगों में से किसको याद है किसको याद नहीं याद है इल्म नासिख व मनसूख याद है वो उलूमुल कुरान का एक हिस्सा है वो जिस पर हम लोगों ने वर्कशॉप रखा था एक हिस्सा वो जो कि जिसे हम लोगों ने बहुत इख्तिसार के साथ हम लोगों ने पढ़ा था उसूल तफसीर बहुत बड़ा मौजू है उसूल तफसीर लेकिन उलूमुल कुरान का एक हिस्सा है वो वैसे ही इल्म तंजीम कुरान इल्म नुज़ूल कुरान का एक हिस्सा है और इल्म नुज़ूल कुरान उलूमुल कुरान का एक हिस्सा है बहुत बड़ा मौजू है ये इसे आप छोटा मोटा मौजू मत समझिए अगर हम चाहें तो उलूमुल कुरान को एक घंटे में भी बयान कर दे सकते हैं निहायत इख्तिसार के साथ चाहें तो पूरी ज़िंदगी ही पढ़ सकते हैं उसकी हक अदा करते हुए तो इल्म तंजीम कुरान हम लोग पढ़ रहे थे उसमें ये बात थी कि कुरान मजीद को धीरे धीरे नाजिल करने में क्या क्या हिकमतें हैं कुछ हिकमतें ऐसी हैं जिसे अल्लाह सुबहान व तआला ने खुद कुरान में बयान फरमाया है कुछ हिकमतें ऐसी हैं जो कुरान में भी हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसे बयान फरमाए हैं कुछ हिकमतें ऐसी हैं जिसे सहाबा ने उसके बाद के उलमा ने बयान किए हैं और एक दो तीन हिकमतें ऐसी भी हैं जिसे मुझे किसी किताब में तो बात नहीं मिली अल्लाह के फजल करम से मैंने सोचा तो मुझे वो चीज़ मिली वो भी आपको लिखवाऊंगा आगे इंशाल्लाह तो सबसे पहला फ़ायदे के तौर पर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहली हिकमत या सबसे पहला फ़ायदा वो ये है कि खुद कुरान मजीद ने बयान किया कि हमने कुरान को धीरे धीरे करके इसलिए नाजिल किए ताकि आपके दिल को मजबूत कर दें आपके दिल को जमा दें यानी इस माने में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई मामला होता कोई वाकया हो जाता कोई हादिसा रोनमा हो जाता ऐसी चीज़ सामने आ जाती जिससे आपको बहुत रंज होता बहुत तकलीफ़ होती बहुत परेशानी होती अचानक वो आयतें नाजिल होने की वजह से आप वसल्लम का दिल मजबूत हो जाता पूरे गम छट जाते आपके आप कवी हो जाते मजबूत हो जाते आप ये कुरान मजीद के धीरे धीरे नाजिल करने के मकासद में से एक मकसद है पूरी किताब एक साथ नाजिल कर दी जाती तो वो बात वो फ़ायदा उसमें नहीं होता तो गुज़िश्ता बार यानी गुज़िश्ता क्लास में हम लोगों ने एक वाक़या पढ़ा था बद्र से मुतालिक जबकि हम लोग देखते हैं कि बद्र में नहीं एक तो मुसलमान अभी अभी मदीना आए हैं नहीं वो समझना ज़रूरी है वो एक तो मुसलमान अभी अभी मदीना आए थे आकर के कमोबेश दो साल हुए थे सवा दो साल मदीना आकर के जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों को मक्के में ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि मदीने में ज़्यादा तकलीफ़ हुई जी हाँ अगर आपको गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि मदीने में जी मक्के में मुसलमानों ने जितनी तकलीफ़ उठाई उससे कहीं ज़्यादा मदीने में यह और बात है कि आखिरी दौर में पूरा सुकून मिला इब्तदाई दौर की बात कर रहा हूँ मदीने में आइए मदीने में आने के साथ ही बद्र
बदर से छुटकारा नहीं मिला ओहद, ओहद से छुटकारा नहीं मिला खंदक, खंदक से छुटकारा नहीं मिला हुदैबिया, खैबर, फिर उसके बाद जो है यानी फतेह मक्का की सूरत में वहाँ निकलना, फिर हुनैन, फिर तबूक, ये बड़े बड़े, छोटे मोटे तो पूछिए मत आप। रोज़ाना की एक बात लगी हुई थी, रोज़ाना किसी न किसी सहाबा को, एक जमात को भेजा जा रहा है। आप गजवात जो थे वो कम है, लेकिन आप सर ने सहाबा की जमातों को जो इधर और इधर भेजा करते थे वो इस कदर बड़े हैं, 200 सहाबा को, 300 सहाबा को, कभी उधर कभी उधर कभी इधर, हत्ता कि आप सल्लम खैबर के लिए जब निकलना चाहा तो एक जमात को एक और जगह में भेज करके आप सल्लम ने खैबर की तरफ गए, इसलिए कि आप खैबर की तरफ जाएंगे तो दूसरे जो बिखरे हुए लोग हैं जो कुफार वो आ जाएंगे मदीने में हमला करने के लिए। तो सहाबा के एक जमात को उनसे निमटने के लिए भेजा, फिर आप जो है खैबर की तरफ निकले। एक तरह की हंगामी सूरत हाल थी पूरे मदीने की, इसमें गो के आखिरी आखिरी दिनों में जो है काफ़ी सुकून मैसर हुआ सब कुछ बहरहाल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना गए तो एक तरफ तो कुफार यानी पहले से ज़्यादा तकलीफ़ हुई कुफार मक्का को कि अभी हमारे हाथ में थे, हम तकलीफ़ दे सकते थे, अभी हमारे हाथ से निकल चुके हैं। मदीने में जाने के बाद यहूद, उनकी खयानत मारूफ चीज़ थी, मुनाफिकीन का वजूद था, मुसलमान कमज़ोर थे, बड़ी तादाद नहीं थी उसमें औरतें बच्चे कमज़ोर और दीगर आवारी और बूढ़े वगैरह या जिस्मानी तौर पर जो कमज़ोर किस्म के जो लोग थे उन सबको निकाल देंगे, जो बच्ची कुछ थोड़ी सी जमात थी मुसलमानों की। ऐसे में मुसलमानों की जमात को तहफ़ देना बचाना काफ़ी दुश्वार मरहला था। वो अल्लाह के रसूल वसलम वहाँ से लड़ने के लिए बदर गए, बदर जाने के बाद जो सूरत हाल थी इतनी तकलीफ़ थी आपको कि आप सब जुबान से यहाँ तक अल्फाज निकले कि अगर ये जमात मिट जाए तो फिर तेरी बात करने वाला कौन होगा, ये कौन मुबल्लिग होगा, कौन तेरी बात को फैलाने वाले होगा वो होगा वगैरह वगैरह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गजवे से जंग शुरू होने से कदरे कबल थोड़ी देर पहले वो आयत नाज़िल जो हम लोगों ने पढ़े थे सूरतुल क़मर की, सही हुज़बुल जम व युवल्लून अद्दुबुर बल इस्साअतु मौईदुहुम वस्साअतु अधा व अमर, ये आयतें जैसी नाजिल हुई आप सल्लम यानी जो थोड़ी देर पहले इलाहजारी कर रहे थे, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे और ऐसी अजीब व गरीब हालत आप पर तारी हो गई थी कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से रहा नहीं गया, वो आप सल्लम पर वो आयतें नाजिल हुई एक खुशखबरी के तौर पर आप उठे, गोया कि आपका दिल मजबूत हो गया आपका, लिनु सब भी तभी फवाद रखता कि हम आपके दिल को मजबूत कर दें। ये कुरान मजीद को धीरे धीरे नाजिल करने के फ़वाद में से है ये हम थोड़ा उस पूरे मंजर को अपने सामने रखें और गोया कि अपने नफ्स को वहाँ पर रख करके देखें तो आपको मालूम होगा कि कितना कितना सुकून मिला होगा उस वक्त। तसव्वुर कर सकते हैं किस कदर सुकून मिला होगा, ये सारे चीज़ों को जहन में रख करके देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर पहले ऐसा मालूम हो रहा था कि आप निढाल हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, बस वो आयत करीमा नाज़िल हुई सही ज़मुल जम यानी ये पूरी की पूरी जमात इनका पूरा जत्था जो है कमज़ोर हो जाएगा और जो है मारा जाएगा, इनको हजीमत का सामना करना पड़ेगा, हार होगी, इनको शिकस्त हो जाएगी। आप सल्लम पूरे इत्मीनान के साथ बाहर आए खेमे से निकल करके। तो कुरान मजीद के ये वक्फे वक्फे से नाजिल करने के फवाइद में से एक बात है। एक मिसाल ये है जो अभी हम लोगों ने बदर से मुतालिक पढ़े थे। एक और मिसाल कोई है क्या, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, एक और कोई मिसाल है ऐसी ऐसी कोई वाकई उभरती हुई बात हो, बिल्कुल नुमाया बात हो। हाँ, इफ का मामला मैं जिक्र किया था क्या, माशाल्लाह इफ का मामला, वाकयातुल इफ्क, वाकयातुल इफ्क किसको किसको मालूम है, आपको नहीं मालूम है समीला भाई, आपको शायद वाकया मालूम है, आपको उस नाम के साथ शायद नहीं मालूम होगा। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पर जो घनावना जो इल्ज़ाम लग गया था उसको वाकयातुल इफ्क कहा जाता है। वाकया वाकया है, अल इफ्क झूठ को बोलते हैं, अल इफ्क के माने, इफ्क का असल माना आता है मामले को उलट देना। चूंकि इन लोगों ने मामले को उलट दिया था, वो थी यानी इफ्फत की पैकर थी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, सरापा जो इफ्फत वाली थी, पाकबाज थी ख़ानदानी तौर पर, ज़ाती तौर पर, हर एतबार से नबी करीम सल्लम के हरम थी, वो आप सल्लम की बीवी थी, उम्मुल मोमिनीन थी, उनके मामले को उलट दिए नऊज़ुबिल्लाह, और उनको एक साजिश के तौर पर झूठ गढ़ा गया उनके ताल्लुक से उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में। तो उसको कुरान मजीद ने इफ्क कहा, वाकयातुल इफ्क। अगर आपको मालूम हो पूरा वाकया, हम लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह पूरा वाकया पढ़ेंगे, आपको मालूम होगा कि इस वाकये में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ़ हुई, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। बिलखसूस उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को इतनी तकलीफ़ हुई, मैं वाकया पढ़ने के लिए वाकई मेरे पास उतना दिल नहीं है लेकिन सुनाना ही है आपको। जब जब इस वाक़े को पढ़ा हो मैं ज़ारो क़तार रोया हूँ, वाकई वाकया ही ऐसा है ये उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का। इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की वो, इतना सहे वो, एक महीना
यानी इस वाक्य से बहुत सारे फवायद है, मैं बताऊंगा आपको। जब वाक्य आप पूरा सुन लेंगे उसके बाद वो आयत करीमा पढ़ेंगे आप जो सूरह नूर की है, तब आपको मालूम होगा। लिनुसब्बित बिही फुआदक, हम कुरान को धीरे धीरे करके इसलिए नाजिल किए ताकि आपके दिल को मजबूत कर दें। वाकियतुल इफ्क हम लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मुझे अंदाज़ा नहीं था इसे, वरना मैं आपको इसका एक एक फ़ोटो कापी करके दे देता ताकि सबके सामने हो। दो तीन मिनट के अंदर जितने हमारे पास सही बुखारी हैं उठा के रख लेंगे अपने सामने, दो तीन मिनट के अंदर, ताकि हम पढ़ेंगे इस वाक्य को अच्छे से। वॉल्यूम जो है हदीस नंबर 4750। हाँ, पहले से होता तो कुछ अंदाजा हो जाता। जरा जल्दी से पूरा वाकया पढ़ेंगे, उसके बाद वो आयतें पढ़ेंगे, तब आपको मालूम होगा कि कितनी मजबूती आई होगी, कितनी खुशी होगी, बिलखसूस उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह अन्हा को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नहीं, ऐसा नहीं रहेगा, दोनों में से एक जगह रहेगा वो 4750। मेरा अंदाजा जिल्द नंबर 6 में रहेगा। हाँ, 4750 उसमें भी है क्या? देखो वहाँ जल्दी जल्दी। हाँ, क्या बोले? और भी जी? अच्छा, जरा ये किस किस के पास है? देखिए फतुल बारी भी है, फतुल बारी में भी उठाओ। इधर हमारे पास फतुल बारी है, अमदतुल कारी है, और उठाओ उठाओ फतुल बारी उठाओ। तीन तीन है फतुल बारी, नहीं नीचे भी एक है फतुल बारी, नीचे एक फतुल बारी है, ऊपर एक फतुल बारी है, अमदतुल कारी है, आउनुल बारी है, आपको तकरीबन जगह हदीस मिल जाएगी। वो यहाँ कितने लोगों के पास है? समीउल भाई के पास है, कम से कम दो लोग देखे उसमें, उसमें दो लोग देखो। मुंजिर भाई 4750 यहाँ लिख देता हूँ। किसी के पास मोबाइल में हो मोबाइल में भी देख लीजिए। पीछे है? हाँ, यहाँ कितने लोगों के पास है? एक दो और? हाँ, दो है। मोबाइल दो, मोबाइल में देखती हैं। अब्दुल अहद, अब्दुल वाहिद, हेलो उधर दिया। 4750। हाँ पढ़ू? हाँ, अच्छा अच्छा। देखिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم। يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نے اس واقعے کو ایک بھرے مجمع میں بیان کی، وہ ایک بھرے مجمع میں، اس میں کون؟ معمولی درجے کے علماء نہیں تھے، تا
ताबेईन में बड़े बड़े उलमा, और आपको मालूम होना चाहिए मदीने के जो बड़े बड़े फुकहा हैं साथ हैं, कितने सहाबा के बाद, सहाबा के बाद, सहाबा के बाद मदीने के जो बड़े बड़े फुकहा, यानी आज आपके आज के उलमा को देखकर आप तसव्वुर नहीं कर सकते, बड़े बड़े उलमा सहाबा के बाद, वो सब के सब उनकी मजलिस में थे जब यह हदीस बयान की। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, सबके नाम है देखिए उसमें, उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इब्न उतबा थे, अलकमा बिन वक़ास थे, वो तो कूफा के थे, वो सईद बिन मुसैब मदीने के थे, उरवा बिन जुबैर थे, सब सब बड़े बड़े उलमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हिना क़ाल लहा अहलुल इफ्क मा क़ालू फबर्रअहा अल्लाह मिम्मा क़ालू, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सारी चीज़ें बयान की जिसमें अल्लाह तआला ने उन्हें बरी किया सब कुछ। وكل حدثني طائفة من الحديث وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض الذي حدثني عروة عن عائشة। अब यहाँ से, यहाँ से वाकया सुनिए, असल वाकया। أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم, أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بيان करती हैं कि قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج اقرع بين ازواجه, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں نکلنے کا ارادہ کرتے تو اقرع قرآن اندازی کرتے, قرآن ڈالتے, کیا کرتے قرآن ڈالتے, یعنی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سفر میں نکلتے جتنی بیوی آپ کے پاس تھی اتنے نام ڈالتے, جس کا نام نکلتا ان کو لے کر کے جاتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انصاف تھا یہ۔ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا سَهْمٌ, حصے کو بولتے ہیں, جس کا نام نکل جاتا خرج بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معه, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیوی کو اپنے ساتھ لے کر کے جاتے۔ قالت عائشة, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں, فأقرع بيننا في غزوة غزاها, ایک غزوہ میں آپ نکلنا چاہا تو آپ نے ویسے قرعہ ڈالا, فخرج سهمي, تو میرا نام نکل کے آیا, فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب, جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی, اس وقت نکلی جب حجاب کا معاملہ نازل ہو چکا تھا۔ یہ بہت اہم چیز ہے, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بات ایسے نہیں بتلا رہے ہیں, ورنہ اس واقعے کو حجاب پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے, آگے بات معلوم ہوگی کیوں انہوں نے یہ بات کہی۔ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا اس وجہ, اس کے بعد ہم لوگوں نے اس سفر کے لیے نکلے, یہ پردے کا ذکر بالخصوص کیوں کر رہے ہیں آگے آپ کو معلوم ہوگا۔ فانا احمل فی حودجی, حودج اس آلے کو بولتے ہیں جو اونٹ پر, اونٹنی پر لگایا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے۔ فانا احمل فی حودجی وانزل فیہ, میں اپنے حودج میں جو ہے رکھ دی گئی اور مجھے اٹھا کر کے لے جایا گیا, بہرحال آگے نکلے ہم لوگ۔ فسرنا حتى اذا فرغ رسول الله, فسرنا یعنی ہم لوگ نکلے چلے سب کچھ ہو گیا, حتى اذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے غزوے سے فارغ ہو گئے یعنی پوری جنگ سب ہو گئی, من غزوته اپنے غزوے سے, تلک وقفل اور لوٹنے لگے, قفلا کے معنی لوٹنا اور سفر سے لوٹنے کے لیے بولتے ہیں, قفلا کے معنی کیا ہے سفر سے لوٹنا, اسی لیے قافلہ کہا جاتا ہے نیک فالی کے لیے کہ یہ سفر میں جا رہا ہے, یہ جماعت جا رہی ہے تو دوبارہ لوٹ کے بھی آئے گی نیک فال, اسی لیے اسے قافلہ کہا گیا, سمجھ رہے ہیں؟ تو قافلہ کی معنی کیا ہے لوٹنا۔ وقفل ودنونا من المدینہ قافلین, یعنی جب ایسے ہی ہم لوگ غزوہ ہوا, اور غزوہ جو ہوا تھا نقشہ نہیں ہے, غزوہ جو ہوا تھا غزوہ واپس غزوہ ہو گیا, واپس جب آنے لگے تو مدینہ کے قریب رات میں پڑاؤ ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, راتوں رات مدینہ نہیں گئے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا حکم بھی ہے جب کوئی سفر میں کہیں جائے تو رات کو اپنے گھر نہ آئے, کہیں ٹھہرے رہے اور صبح میں آئے, یہ اس دور کے بعد کے لیے خاص بات تھی۔ آج کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے سہولتیں عطا کی ہیں, موبائل وغیرہ کا انتظام ہے, سب کچھ ہے, اطلاع کر دے پہلے آ جائے, اس لیے کہ رات کے معاملے میں سب سوئے ہوئے رہتے ہیں, اچانک کون آ گیا کیسے معلوم نہیں ہوگا نا اس وجہ سے۔ تو بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا مدینے سے باہر, جب صبح ہوئی آذن لیلۃ بالرحیل فقمت حین آذن بالرحیل فمشیت حتی جاوزت الجیش, یعنی جب رات میں پڑاؤ ڈالے تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم گیا تھا, اس کی تلاش کے لیے وہ تھوڑا نکل گئیں, وہ جب بھی ان کا ہار گما ہے مسلمانوں پر, پوری دنیا کے مسلمانوں پر اسلام یعنی بہت بڑی بڑی رحمتیں نازل ہوئی ہیں, یہاں پر بھی معاملہ ان کا ایسا ہی ہوا۔ حتی جاوزت الجیش فلما قضیت شأنی اقبلت الی رحلی, میں جیسی ہی ڈھونڈنے کے لیے نکلی صبح سویرے قافلہ نکل کے چلا گیا,
और उनका जो हौदश था उसको उठाए, ऊँटनी पर रखे और लेकर के चले गए। लोगों ने समझा कि मैं अंदर ही मौजूद हूँ और चले गए। बाद में मैं तलाश करती करती वापस जब आकर के देखी मैंने तो पूरे लोग चले गए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं जहाँ मेरी सवारी थी वहीं पर मैं रुकी रहूँ ताकि कम से कम जब लोगों को मालूम होगा कि मैं नहीं हूँ तो मुझे ढूंढने के लिए आएंगे वापस। फलम्मा कावैतु शअनी अक़बलतु इला रहली, जब मैंने अपनी ज़रूरत पूरी कर ली और अपना हाल ढूंढ लिया मैं, अक़बलतु इला रहली मेरे अपनी सवारी की तरफ में आई जहाँ मेरा काफिला था। फ़ाइदा इक़दुन ली मिन जज़इन अज़फ़ार क़द इन्क़ता فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه واقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون اني فيه। يعني ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها कहती हैं कि औरतें वो जो मेरा जो हौदश था वो रख करके वापस लेकर के चले गए और उन्होंने समझा कि मैं अंदर ही मौजूद हूं। ऐसा उन्होंने क्यों समझा? इसलिए कि وكان النساء اذا خفافا لم يثقلهن اللحم انما ياكلن العلقه من الطعام, क्योंकि उस दौर में औरतें बड़ी भारी भरकम नहीं थी, मोटी ताजी नहीं थी, हल्की फुल्की थी, इसलिए कि उनका खाना पीना मामूली दर्जे का था, मामूली अंदाज में खाया पिया करते थे, कोई बड़ी चीजें उनके पास खाने पीने की नहीं थी। और बिलखसूस प्यारे रसूल सल्लम के अजवाज मुतहरात तो उनके कोई आयशो आराम की कोई बड़ी चीज़ें कवी और जो है उनको उनका जिस्म बढ़ा दे, चर्बी बढ़ा दे, मोटापा हो जाए, ऐसी कोई चीज़ें ही नहीं थी खाने पीने की, हल्की फुल्की चीज़ें थी वही खाया करते थे। मैं हल्की फुल्की थी मैं तो उसमें मुझे लोगों ने समझा कि मैं अंदर मौजूद हूँ, लेकर के चले गए। फलम यस्तनकिरिल कौम खिफ्फत अल हौदज हीन रफऊ, जब उस हौदज को उठाया, उठा करके रखा, हल्का फुल्का था, लोगों ने यही समझा कि मैं हल्की फुल्की हूँ तो वो भी हल्का फुल्का ही, जैसे पहले मुझे रखा और जब भी उतना ही वजन, मेरे नहीं होने से कौन सा वजन कम हो जाएगा, उतनी सी बात थी, ऐसी समझ करके लेकर के चले गए। वकुन तो जारियतन हदीसत सिन, और मैं जारिया थी, मैं जारिया यानी कमसिन बच्ची, छोटी बच्ची। असल में अरबी जुबान में जरा के माने आते हैं दौड़ना, जरा के माने क्या है? दौड़ना। छोटी बच्ची को जारिया और उससे भी ज़्यादा छोटी बच्ची को जुवेरिया कहते हैं, इसलिए कि वो उनका काम ही चलना फिरना कूदना भागना ये काम रहता है, इसीलिए बाद में नाम ही पड़ गया जुवेरिया करके। तो जारिया उसकी तस्गीर, जैसे उमर से उमैर, सहल से सुहैल, अब से उबैद, वैसे ही जारिया से जुवेरिया छोटी बच्ची को बोलते हैं। वकुन तो जारियतन हदीसत सिन, यानी बिल्कुल कम सिन थी मैं, छोटी उम्र की थी मैं। फबअथुल जमल वसारू फवजदतु इक़दी बादम इस्तमर अलजैश فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فأممت منزلي الذي كنت به। मैं आई, आकर के देखा कोई बुलाने वाला नहीं, मैं पूछ रही थी कोई है क्या, कोई जवाब देने वाला नहीं, बस मैं अकेली थी, मैं वहीं पर रह गई मैं। وظننت انهم سيفقدوني فيرجعون الي فبين انا جالسة, मैं ऐसे बैठी हुई थी इंतजार ही करते हुए कोई आएंगे, अचानक क्या हुआ, فبين انا جالسة फी मंजिली गलबतनी आईनी फनिंत, अकेली थी, थकी हुई थी, नींद आ गई, सो गई थी वो। वकान सफवान इब्न मुअत्तल मुअत्तल अस्सुलमी रज़ियल्लाहु अन, सफवान इब्न मुअत्तल रज़ियल्लाहु अन, ये वो सहाबी हैं जिनका काम ही क्या था कि किसी गजवा में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं तो पूरा गजवा जब लड़ाई वगैरह सब हो जाती, मुसलमान जब अहले इस्लाम वापस लौटते, इनका काम था कि काफिला लौट जाने के बाद उस जगह में जाएं, क्या क्या चीज़ें गिरी पड़ी हैं, कोई चीज़ छूट गई होगी, कोई चीज़ कहीं गिर गई होगी, किसी ने ढूंढा होगा नहीं मिली होगी, उसको ढूंढ करके लाना, पूरा पूरा कहाँ कहाँ काफिला था सब ढूंढ करके लेकर के आना। जैसे हमारे असफार में हमारे अबुल हसन वो काम करते हैं माशाल्लाह, पूरा काम हो गया तो जो आखिर में पूरा ढूंढ करके आते हैं क्या चीज़ हमारे हम लोगों की गिरी है करके, बहुत अच्छी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी का नाम है वो। सफवान रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने ऐसा ही किया। ثم الذكواني يعني السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش يعني قافلة کے پیچھے تھے وہ فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني। ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سو گئی تھی, صفوان رضی اللہ عنہ دور سے آئے تو دور سے دیکھ لیا کہ کوئی ہے ادھر, یعنی کسی آدمی کی شناخت معلوم ہو رہی تھی کوئی ہے ادھر, کوئی سویا ہوا ہے, قریب جا کے دیکھا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ تھی پردے میں, पर्दे में थी वो, लेकिन पर्दे से पहले, पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले देख चुके थे सफवान रजी अल्लाह अन्हु, पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले अरबों में कोई पर्दे का निज़ाम नहीं था, हाँ कमोबेश कुछ कुछ औरतें होने के अतबार से कपड़ा पहनना और अपने जीनत को छुपाना सब कुछ था, लेकिन आम पर्दा चेहरा भी ना दिखे, पूरा चेहरा छुपा करके रखें, ऐसा कोई निज़ाम नहीं था।
आप सल्लम के अजवाज मुताहरात का भी यही मामला था। तो लेकिन पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले ये देख चुके थे उनकी उनका जिस्म उनकी कामत वगैरह सब कुछ, ये पर्दे में होने के बावजूद भी देखते पहचान लिए। और चूंकि आप सल्लम के अजवाज मुताहरात को पहले देख चुके थे इसलिए बसानी देखते पहचान लिए। فاتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے فاستيقظت باسترجاعهم میں فوراً اٹھ کے کھڑی ہو گئی بیدار ہو گئی میں کیسے بیدار ہو گئی باسترجاع ان کے استرجاع کی وجہ سے استرجاع کے معنی کیا ہیں ماشاءاللہ جی استرجاع کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے کو استرجاع کہتے ہیں بِاسْتِرْجَاعِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَّرْتُ وَجْهِي میں سوئی ہوئی تھی کچھ چہرہ میرا کھلا ہوا تھا فوراً میں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِ اپنے جلباب ان کا جو کافی بڑی چادر تھی اسے فوراً اپنا چہرہ انہوں نے چھپا لیا واللہ اب یہ کہتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ یہ کہنے والی کون ہیں صدیقہ ہیں کون ہیں صدیقہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے اور اپنے آپ میں یہ کتنا اپنے آپ کو سچ بولیں یا اپنے آپ کو کچھ بھی بولیں لیکن اللہ نے ان کو سچا کہا اپنے آپ کو بولنا لگے میں صدیقہ ہوں اللہ نے ان کو صدیقہ کہا یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو صدیقہ ثابت کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی سچائی کو ثابت کیا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں واللہ ما کلمنی کلمۃ یعنی میں بھی اکیلی ہوں وہ بھی اکیلے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں اللہ کی قسم ایک کلمہ بھی انہوں نے نکالا ایک بات بھی نہیں کی مجھ سے ارے تم یہاں ہیں کیسے ہوا کیا کچھ ہوا کیا معاملہ ہوا کیوں پیچھے رہ گئی کچھ نہیں ایک بات نہیں کی انہوں نے کیونکہ باتیں یہ ابتدا ہوتی ہیں غربت پیدا کرنے کے لیے واللہ ماں کیسے تربیت کی دیکھے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ڈر آ جائے آدمی کون دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں وہ دیکھتا نہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈر نہیں ہے تو آدمی جو ہے صرف لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر باطن ہر ایک میں اچھا کر دے اللہ ہر اعتبار سے ہمیں نیک اور صالح بنا دے حالانکہ ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ایک نوجوان لڑکی اور ایک نوجوان لڑکا اپنے آپ میں دیکھا جائے تو لیکن کہتے ہیں کہ واللہ ما کلمنی کلمتن ایک کلمہ بھی انہوں نے جو جاری نہیں کیا ایک بات بھی انہوں نے نہیں کہی مجھ سے ولا سمعت منه کلمتا غیر استرجاع اور ان کی زبان سے صرف کلمت استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ اور کوئی بات میں نے سنی نہیں ان سے حتی اناخ راحلتہ فوطأ علی یدیہا فرکبتہا اور انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھائے بٹھانے کے بعد جو ہے گویا کہ اس طریقے سے اشارہ کیا میں اس پر بیٹھ گئی بیٹھنے کے بعد فانطلق پھر وہاں سے وہ چلنے لگے یقود بالراحلہ اور وہ اونٹنی کو لے کر کے آگے بڑھتے ہوئے گئے حتى اتينا الجيش بعدما نزلوا مغيرين في نهر الظهيره جہاں سے صبح سویرا قافلہ جہاں سے نکلا تھا وہاں سے ہم لوگ نکلے اور جب نکل قافلہ صبح میں نکل گیا تھا یعنی مدینے سے بہت دوری نہیں تھی مدینے سے بہت دور نہیں بس رات میں ٹھہر گئے صبح صبح مدینے میں داخل ہونے کے لیے قافلہ صبح میں نکل کے چلا گیا صفوان رضی اللہ عنہ جو پیچھے تھے انہوں نے پورا قافلے کی چھان بین کی کیا کیا چیزیں گرے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اونٹنی پر بٹھائے اور لے کر کے نکلے ظہر ظہر تک وہ بھی مدینہ پہنچ گئے اور ظہر کا وقت بالکل اجالے کا وقت ہے ہر لوگوں کے چہل پہل کا وقت ہے ہر کوئی جو ہے گلی کوچوں میں روڈوں میں بازار میں دکھائی دیتا ہے ایسے وقت میں اندر داخل ہوئے مدینے کے اندر فہلک من ہلک وکان الذی تولى الافک عبداللہ ابن ابی ابن سلول فقدمنا المدینہ فاشتکیت حین قدمت شہرا والناس يفيضون في قول اصحاب الافك ولا اشعر بشيء من ذلك ام المؤمنين عائشه رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جیسے مدینے میں داخل ہوئے مدینے میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن ابی ابن ابی سلول اس نے دیکھ لیا اس منظر کو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے منافقین بھی اس منظر کو دیکھ لیے بڑا اچھا موقع ہاتھ آیا ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے پچھلے دو تین سال کی دشمنی نکالنے کے لیے ہر اعتبار سے اپنے آپ کو ناکام پا رہا تھا ابھی اچھا موقع تھا کہ جو ہے اچھی طریقے سے خوب سے خوب جو ہے فائدہ اٹھایا جائے ایک طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کوئی اور خاتون نہیں اللہ کے رسول کی بیوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور خاتون ہوتی بات اتنی بڑی نہیں ہوتی حالانکہ ایک عام مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا اس کے اوپر تہمت لگانا بھی بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک کبائر میں سے لیکن بات اگر اللہ کے رسول کی بیوی کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم
और एक सहाबी रसूल सफवान रजी अल्लाह अन, तो इन्होंने इसका खूब हंगामा किया, कहा कि ये खामा खा के इनके अकेलापन नहीं था, कुछ खास मकासद के तहत दोनों अकेले हुए हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये हुआ, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं लोग मेरे ताल्लुक से बातें करने लगे और मुझे पता ही नहीं। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि लोग जैसे बातें करने लगे कि ऐसा ऐसा हादसा है, मैं सीधे घर से ले गई ना, मैं मुझे कुछ पता नहीं, मुझे अता पता तक नहीं मेरे ताल्लुक से क्या क्या बातें हो रही हैं, सब बाहर की बातें ही, मुझे थोड़ा बाद में मालूम हुआ मुझे। उसके बाद उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं वन्नासु युफीदून फी कौल असहाबिल इफ्क वला अशअरु बिशय मिन ज़ालिक, मुझे कुछ इसका एहसास ही नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या कुछ हो रहा है। कौन है बाहर? कुछ लोग होते हैं झिझकते हैं, आना आके बैठ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए وَهُوَ يُرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ये अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का मामला देखिए कैसा है, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तरफ तो बाहर ऐसी बातें हो रही हैं, मैं घर के अंदर हूँ, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबरें जैसी मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ जो मोहब्बत का बर्ताव करते थे, मेरे साथ हंसी मजाक, मेरे साथ दिल लगी, मेरे साथ मुदावत और मेरे साथ लुत्फ और नरमी और प्यार और मोहब्बत वाला जो मामला था, सबसे ज़्यादा चहेती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा चहेती बीवी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के इंतकाल के बाद इनकी जैसी मोहब्बत किसी के लिए नहीं थी। उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद और उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह के रसूल के नज़दीक इतनी ज़्यादा महबूब थी कि आपको मालूम होना चाहिए कि अमर बिन आस, मालूम है आपको अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हा, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हा कुरैश के ख़ानदान के हैं, सुन रहे हैं, कुरैश के ख़ानदान के हैं और बड़े कट्टर दुश्मन मुसलमानों के, इस्लाम के मक्के में, हत्ता के मुसलमान जब हबशा गए तो वहाँ भी गए पीछा, और ज़ुबान पख्ती अकल सलाहियतें महारत हर एतबार से बाकमाल आदमी अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हा, इसीलिए मक्के वालों ने चुन करके उनको भेजा, बादशाहों से पहले से ताल्लुकात थे उनके, कोई मामूली दर्जे के आदमी नहीं थे अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हा, हफ्शा के बादशाह से ताल्लुकात भी उनके थे, इसी वजह से उनको भेजे कि उनसे काम निकल सकता है, इतने अजीम आदमी थे पहले से ही वो, लेकिन इस्लाम के दुश्मन थे। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ देने का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मक्का से मदीना चले गए मुसलमान और वो बाद में मुसलमान हुए, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह मुसलमान होकर के आए, आने के बाद एक जगह पर आप उनको भेजा, एक जगह पर जंग करने के लिए भेजे, अल मुरैसी असलासिल ज़ातु सलासिल करके एक 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 जंग का नाम है वो, वहाँ पर भेजा गया था उनको अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु को, फतह करके आए और दिल में ये उम्मीद थी कि मैंने इतनी बड़ी फतह लेकर आया हूँ मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, एक मुसलमान हूँ मैं, सहाबी हूँ, आप सल्लम ने मेरे पिछले कुफ्र को भुला दिए होंगे, लेकिन ये जो मैं एजाज़ के साथ आ रहा हूँ, इस फतह के साथ जो आ रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ज़्यादा खुश हो जाएंगे। सीधे आए अल्लाह के रसूल के पास, आकर के सबसे पहले ज़ातु सलासिल उसकी खुशखबरी सुनाए, ने पूरे फतह के साथ आए, उसके बाद कहा कि अल्लाह के रसूल आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब कौन है, सवाल देख रहे हैं, ये समझने के लिए अभी मेरा नाम ही लिया जाएगा, मेरा नाम ही आएगा, कहा कि अबू बकर आयशा का नाम लिया आप सल्लम ने, किसका नाम लिया, इतलाक, जब आपके नज़दीक किसी भी शख्स का इनफरादी तौर पर कहा कौन आपके नज़दीक महबूब है, बच्चे मर्द औरतें बीवी आपके खाला आपकी माँ आपके फला वो सब कुछ नहीं, सिर्फ अगर ऐसा आम सवाल किया जाए कौन आपके नज़दीक महबूब है, किसका नाम, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में बहैसत इंसान होने की, बहैसत इंसान होने की आप सल्लम की एक दो बीवियों को ज़रा सी चुपती थी ये बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए किसी और के लिए नहीं है। आप सल्लम की बीवियों ने इनको फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को अच्छी तरह जहन बना करके भेजा कि आप सल्लम फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से बड़ी मोहब्बत करती, बेटी है उनकी, उनके उनका जिगर का टुकड़ा है, कहा कि तुम जरा जाके बतला करके आओ कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से आप समझो ताल्लुक़ है। वो गई मनाने के लिए, आप सल्लम ने उनकी कुछ नहीं सुनी, कुछ नहीं सुना आप सल्लम ने फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का, सिर्फ एक सवाल कर दिया, कहा कि क्या तुम उनसे मोहब्बत नहीं करते हो जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं। अल्लाह अकबर, देख रहे हैं हम, ये है उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, सही मुस्लिम हदीस है, कहा कि मैं जिनसे मोहब्बत करता हूं तुम्हारे दिल में कुछ नहीं होना चाहिए सिवाय इसके कि मोहब्बत, अगर मेरे से मोहब्बत है तो। ये है उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा।
बाद में अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल तुम्हारे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? सही बुखारी की हदीस है। कहा कि आयशा। कहा कि अल्लाह के रसूल मैं औरतों में नहीं मर्दों में पूछ रहा हूँ, मर्दों में उनके अब्बा बोले, उनके वालिद अबू बकर, यानी उसके बाद पूछे फिर कौन है? कहा कि उमर। फिर पूछा कि उसके बाद कौन है? कहा कि उस्मान। वापस चले आए, मेरा नाम कब आएगा पता नहीं करके। तो ये हैं उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह अन्हा, सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह के रसूल के नज़दीक। लेकिन उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह अन्हा कह रही, अन्नी ला आरिफ मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लुत्फ अल्लज़ी कुंतु अरा मिन्हु हीन इश्तका। कहा कि मुझे एक तरह से दर्द भी शुरू होने लगा पूरे जिस्म में, इतना शदीद बुखार आया था मुझे। एक तो मेरे ताल्लुक से बाहर बातें हो रही, मुझे पता ही नहीं कि क्या बातें हो रही, मेरी इज्जत को आँच लगी है मुझे पता ही नहीं। लेकिन मुझे इतना शदीद बुखार आया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ज़्यादा मोहब्बत और नरमी मुझसे करने वाले, इतना लुत्फ़ और करम का मामला करने वाले, मुझे पूछ के नहीं देख रहे, मेरे साथ मोहब्बत का बर्ताव ही नहीं, मेरे चेहरे पे हाथ नहीं रख रहे, मेरे करीब नहीं आ रहे, मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे, इतनी शदीद बुखार है, आप मुझे देख करके मुस्कुरा भी देते तो मेरा पूरा बुखार छट जाता मुझे, लेकिन आपकी कोई नरमी मैं नहीं देख पा रही हूँ, महसूस नहीं कर पा रही हूँ। इन्नमा यदखुलु अलै अलैया रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फयुसल्लिम थुम्मा यकूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला क्या होता? आप आते घर के अंदर, आपका चेहरा उतरा हुआ होता, बस इतना पूछते, कैफतीकुम, कैसे हैं तुम, कैसी हालत है, इतना ही पूछते, थुम्मा यनसरिफ और निकल के चले जाते, इतनी सी बात। जाहिर बात है पहले से नाचाकी हो, पहले से दूरियां हो, या उतनी खास मोहब्बत ना हो, उतनी तकलीफ नहीं होती है। लेकिन एक आदमी किसी को मोहब्बत दे चुका हो, बिलखसूस मियां बीवी का मामला, खूब से खूब मोहब्बत हो, उसकी अदना सा मामला भी उसके लिए अजाब से कम नहीं होता, अदना सा मामला भी है कि नहीं बताइए। और बिलखसूस उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह अन्हा, उनकी जो चाहत अल्लाह के रसूल के हक़ में थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जो चाहते थे, घर को आना, सिर्फ खैरियत दरियाफ़ करना, पूछना कि कैसे हैं तुम, और चले जाते निकल करके बाहर। ये बहुत बड़ा यानी एक क्या बोलते हैं इनके लिए, बहुत बड़ी आफत थी इनके लिए। उसके बाद कहते हैं 15 मिनट, فذاك الذي يريبني ولا اشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقحت فخرجت معي امي معي ام مسته قبل المناصع وهو متبرزنا وكنا لا نخرج الا ليلا الى ليل وذلك قبل ان تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وامرنا امر العرب الاول في التبرز قبل الغائط فكنا نتأذى بالكنف ان نتخذها عندنا بيوتنا فانطلقت انا وام مسطح وهي ابنه ابي روم بن عبد مناف وامها بنت صخر بن عامر خاله ابي بكر الصديق وابنها مسطح بن اثاثه رضي الله عنهم اجمعين فاقبلت انا وام مسطح قبل بيتي وقد فرغنا من شاننا فعثرت ام مسطح في مرطها فقالت تعس مسطح فقلت لها بئس ما قلت اتسببين رجلا شهيد بدر اب یہاں تک میں نے عربی پڑھ دیا تاکہ ریکارڈ ہو جائے اس لیے یہاں تک خلاصہ کیا ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مجھے کچھ پتہ نہیں معاملہ کیا ہے باہر باتیں ہو رہے ہیں مجھے کچھ پتہ نہیں اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہا بھی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا معمول کیا تھا اہل عرب کا عام معمول تھا عربوں کا عام معمول کیا تھا وہ گھروں کے اندر یعنی استنجا خانے نہیں بناتے تھے घरों के अंदर लेटरिन नहीं बनाते थे, ऐब समझते थे वो। अरबों का मामला ऐसा ही था, कहते हैं कि हमारा भी मामला ऐसा ही था, हमारे घरों के करीब इस्तिंजा खाने बनने से पहले हम लोग घर से काफ़ी दूर बाहर निकल के जाते, जैसे आजकल करियों में किया जाता है आज भी। तो चूंकि हम लोग खवातीन थी, औरतें थी हम लोग, इस वजह से हम लोग दिन में नहीं जाते थे, रात में जाते, रात के अंधेरे में तारीख में हम लोग दूर दराज के इलाके में जाते और अपनी ज़रूरत पूरी करके आते। तो मुझे ये वाकया कैसे मालूम हुआ, मैं काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, नकाहत तारी हो चुकी थी, इतनी कमज़ोर थी मैं कि एक रात जो है नहीं उम्म मिस्ता मिस्ता रजी अल्लाह अन जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अनु के खाला के बेटे थे, कौन थे, खलील रजा भाई थे, वो कहते हैं कि उम्म मिस्ता उनकी माँ मिस्ता रजी अल्लाह अन बदरी साहबी, उनकी माँ उम्म मिस्ता वो बड़ी उम्र की खातून थी, उनके साथ मैं छोटी सी थी, मैं अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए बाहर निकली, अपनी ज़रूरत पूरी कर ली मैं, जब वापस आ रही थी तो मैंने उनकी माँ की ज़ुबान से सुना, वो अपने बेटे के बारे में बुराई बयान कर रही थी, कहा मेरा बेटा हिलाक हो गया, मेरा बेटा बर्बाद हो गया। मैंने कहा खाला जान क्या हुआ तुमको, अपने बेटे के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं आप, ऐसी वैसी गलत बातें कर रहे हैं, यानी बद्दुआ दे रहे हैं, गलत यानी हिलाक होने की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा मामला?
तब मुझे मालूम हुआ कि मामला क्या है करके, कितनी तकलीफ होगी उम्र मिना आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को। अल्लाह अकबर, याद रख ले ये मामला आयशा का नहीं है, ये मेरा और आपका मामला है, हमारी माँ है ये उम्र मुमिना आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। उसके बाद कहती है बिसमा कुल्त अतुसब्बीन रजुलन शहीद बदरन, क्या तुम मिस्ता को गाली देते हो तुम्हारे बेटे को जो कि बद्र में शरीक हुआ है उसको तुम गालियां देते हो। कालत आई हंता अवलम तस्माई माकल, कहा कि क्या तुमने वो क्या क्या कहा है तुमने सुना नहीं, क्योंकि जो अब्दुल्ला बिन उबई ने उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर जब इल्ज़ाम लगाया तो सिर्फ मुनाफिकीन नहीं कुछ मुखलिस सहाबा भी उसमें शरीक हो चुके थे, कुछ मुखलिस सहाबा भी, हसन इब्न साबित शायर रसूल, मिस्ताह बिन असाता साहब रसूल यानी बद्री सहाबी, हमना बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हु अजमाइन और अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु भी, ज़रा सा इसमें ये हो गए थे। इस एतबार से कुछ मुखलिस सहाबा भी उसमें आ गए थे जिसकी वजह से यानी ये सहाबी भी थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कुल्तु कालत कुल्तु वमा काल, मैंने पूछा कि क्या कहा तुम्हारे बेटे ने, ऐसा क्या कह दिया था उसने, कहा कि कालत फअखबरतनी बिकौल अहलिल इफ्क फज़दत्तु मरज़न अला मरज़िन, मुझे पूरी कार्रवाई उन्होंने सुनाई कि तुम वहाँ से आए, उस मुनाफिक ने देखा, उसने जो है ढंडोरा पीटा, अफवाहें आम हुई और मेरा बेटा भी उसमें शरीक है, तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा ख्याल रखा जाता है मदीने के अंदर फिलहाल। ये कहते हैं कि इतनी बीमार थी मैं ये सुनना था कि मेरा मर्ज और बढ़ गया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं आप अंदाज़ा लगाइए, हम जैसे लोग जिसमें गुनाह ज़्यादा नेकियाँ कम, हम भी हमारी इज्जत पर आँच आ जाए बर्दाश्त नहीं कर सकते, चे जाए उम्मुल मोमिनीन जिनकी ज़िंदगी में एक गलती भी कोई ढूंढ के भी नहीं निकाल सकता। इतनी पाकबाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अजवाज मुतहरात में ये ऐसी अकेली बीवी हैं जिनको अल्लाह ने ख्वाब में आपका चेहरा दिखाया कि इनसे शादी करो, ये वो बीवी हैं उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, क्या गुजरी हुई इनके ऊपर। आजकल के पाकबाज जितने भी खवातीन हैं पूरे सहाबा को ले लीजिए आप, उम्मुल मोमिनीन आयशा जैसी खातिन नहीं मिलेगी कोई, इतनी पाकबाज सबसे आला दर्जा सबसे ऊंचे दर्जे की, इन पर क्या गुजरी होगी वो देखना चाहिए। ये जब तक तसव्वुर नहीं आएगा हमारी जात को रखेंगे सामने तो फिर मामला समझ में नहीं आएगा। हत्ता कि आप देख लीजिए वो औरतें जो लोगों के सामने नाचते हैं नंगे कपड़े पहनते हैं उनकी इज्जत पर भी आँच आ जाए वो भी बराबर अपना दिफा करते हैं, वो भी सफाई बयान करते हैं, वो भी बराबर लड़ने के लिए आते हैं, है कि नहीं बतलाइए। ये कौन है, ये इनका दिफा करने के लिए रब्बुल आलमीन ने कुरान में आयतें नाज़िल फरमा दी अपने पाक कलाम में, ये उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। अच्छा ये कहती हैं मेरा मर्ज और बढ़ गया। قالت فلما رجعت الى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم, अब ये सुनना था या अब मेरे मालूमात में ये बात आ गई कि ऐसा ऐसा मामला है क्या, अब मैं अपने घर के अंदर दाखिल हुई, दाखिल होने के बाद अल्लाह के रसूल भी अचानक आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करने लगे। सलाम करने के बाद पूछा कैसे हैं तुम, قالت فقلت, मैंने कहा اتأذن لي ان آتي أبوي, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, अब तक वो जो घर में थी ना, कहा कि मुझे ज़रा इजाज़त दीजिए मैं अपने मैके जाना चाहती हूँ, नहीं मैं अपने घर चली जाना चाहती हूँ अबू बकर के घर रज़ियल्लाहु अन्हु, अभी बर्दाश्त नहीं हुआ इनसे उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव ये खुद इनके ऊपर बहुत बड़ा अज़ाब था। अब इनको अचानक धीरे धीरे मालूम होने लगा, अच्छा यही बात है क्या जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बर्ताव अच्छा नहीं कर रहे हैं, अच्छा बात नहीं कर रहे हैं मुझसे जो है। قالت, उसके बाद कहती है वो وانا حينئذ اريد ان استيقن الخبر من قبلهما, उसके बाद मैं जो है बस इसकी छानबीन में लग गई, मैं क्या मेरे ताल्लुक से जो बाजार में जो बातें हो रही क्या वाकई सही है कि या बस ऐसी आम बात है, कुछ लोगों को मालूम है कुछ लोगों को नहीं मालूम है। जैसे जैसे तहकीक करने लगी मुझे मालूम होने लगा कि पूरा मदीना जानता है, पूरा मदीना अभी इसी यही मामला रखता है, तो बहुत तकलीफ होने लगी इनको। قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा कि हाँ जाओ अपने घर चले जाओ। فجئت أبوي, और मैं सीधे अपने घर आई। فقلت لأمي, अपनी उम्मी अपनी माँ से कहने लगी, इसलिए कि एक कोई भी मर्द हो बच्चा हो लड़का हो लड़की हो सबसे ज़्यादा राजदारी की बातें और सबसे ज़्यादा दिल की बातें खुल करके सबसे ज़्यादा अपनी माँ से ही कह सकता है वो, फिर उसकी माँ के बाद अपनी बीवी से या अपनी बीवी अपने शौहर से, चूँकि शौहर का मामला ऐसा हो गया सीधा अपनी माँ के घर चली गई। या उम्मता, ये अहले अरब जब किसी मुश्किल को और अपनी परेशानी को बतलाना हो ऐसे कहते बोलते या रासा, हाय मेरा सर, ऐसे जो बोलते हैं ना वैसे, या उम्मता, ऐ मेरी माँ, ऐ अम्मी जान, देखो क्या मामला हो चुका है,
मायतहद्दसुन्नास, लोग देखो क्या क्या बातें कर रहे हैं। قالت يا بني تهوين عليك, कहा कि मेरी बेटी जरा मामले को हल्का करो, दिल पे मत ले लो। तो माँ को मालूम है ना बच्ची कैसी है, उनकी बचपन से तरबियत कर रहे हैं वो, और मामूल मालूम है कि ये मेरी बेटी आयशा है, ये कैसी बेटी उनको मालूम है। कहा कि हवीन आलिक, इसीलिए ये बात अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ी गवाही आदमी को उसके करीबी लोग देते हैं। मुझे बाहर के लोग हीरो माने वो कमाल की बात नहीं, मेरे करीबी लोग, मेरे माँ बाप, मेरे बीवी बच्चे, मेरे सबसे ज़्यादा करीब रहने वाले दोस्त, वो मेरे बारे में अच्छी गवाही देते हैं मैं अच्छा इंसान हूँ। एक आध मुलाकात में किसी ने कह दिया कि वाकई बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत ये उनकी उनकी बातों को ले लेना चाहिए। ये बचपन से देखी हुई बात है। उनकी माँ ने कहा कि हाउ बीन आलिक, जरा अपने मामले को ठंडा करो, हल्का कर दो, यानी बोझ उतार दो, ज़्यादा दिल पर मत ले लो। फवल्लाही लकल्लमा कानत इमरातुन क़त् वज़ीअतुन इंद रजुलिन युहिब्बुहा वलहु ज़राइर इल्ला अक्थरना अलैहा क़ालत فقلت سبحان الله أولقد تحدث الناس بهذا قالت فبقيت تلك الليلة। जैसे मुझे मालूम हुआ, सीधा अपने माँ के घर गई ना, हमारे अम्मी ने सारी बातें मुझसे बतलाई कि हाँ बात ऐसी ऐसी है, कहते फबकई तो तिल कर लैला, पूरी रात रोने लगी मैं, कैसे नींद आ सकती बतलाइए, आ सकती है नींद। मैं तो ये कहता हूँ कि ये सिर्फ उम्मुल मोमिनीन आयशा के लिए नहीं, ये वाकया पढ़कर के मेरी और आपकी नींद में हराम हो जानी, इलाही अल्लाह ने बरी कर दिया उनको, अब तो हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन जब आए पढ़ते हैं, वाकया सुनते हैं, समझते हैं, हमारी नींद भी हराम हो जाती है। इसलिए कि ये मामला आयशा का नहीं है, ये हमारी अपनी माँ का मामला ही है। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह कहती है फबकैतु तिलका लैला हत्ता असबहतु ला यरक़ु ली दम्उन वला अक्तहिलु बिनौम हत्ता असबहतु अबकी, यानी सुबह तक बराबर रोने लगे, सोचना रोना, ये मामूली बात नहीं है, बात आयशा की, इसलिए मैं बार बार बतला रहा हूँ किसकी बात है, उसका हमारा नाम जहन में आना चाहिए। फदअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब घर के बाहर की बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली बिन अबी तालिब को बुलाए, व उसामा बिन ज़ैद उनको बुलाए रज़ियल्लाहु अन्हुमा, हीन इस्तलबथ अल-वहयु, इस्तलबथ लबिसा के माने क्या आते हैं, ठहरना, लबिसा के माने لابثين فيها احقابا, قران میں سورہ نبا میں استلبث الوحي, اس کے معنی آتے ہیں, اس دیکھو یہ بھی بڑی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے اس کے فائدے کیا ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ بھی زندگی میں ایسے معاملات ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہم کو کیسے رہنا چاہیے آگے بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ۔ ایک مہینہ تک وحی کا سلسلہ بھی بند ہو چکا تھا, ایک مہینہ تک وحی کا سلسلہ بھی بند ہو چکا تھا, قرآن مجید دھیرے دھیرے نازل ہونے کے فوائد میں سے एक महीना वही नाजिल नहीं हुई। ऐसा नहीं कि अब्दुल्ला बिन उबई इल्जाम लगाया और उसका इल्जाम लगने से पहले या इल्जाम लगने के बाद अभी लोगों में आम होने से पहले वही नाजिल हो गई, ऐसा भी नहीं, एक महीना तड़पाया गया। चुपके कुरान में आते नाजिल नहीं हुई, एक महीने के सब्र के नतीजे में आते नाजिल हुई। तो एक महीना तक वही का सिलसिला बंद हो चुका था। यस्तअमिरुहुमा फी फिराक आली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसामा बिन ज़ैद छोटे थे वो, लेकिन आप सब बड़े चहीते थे और बहुत बाकल, कमाल की अकल थी उनकी। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु आपके चचेरे भाई थे, आपने दोनों से मशवरा लिया, यस्तअमिरुहुमा फी फिराक आली, कि अभी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को रखना है कि नहीं रखना है, यहाँ तक मामला गया था। आप सल्लम को इतनी तकलीफ हुई, यानी अजीब, अल्लाह अकबर। कालत, ये कहती है फअम्मा उसामा बिन ज़ैद فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهلي, कहा कि उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह, उन्होंने दो लफ्ज़ों में कह दिया, हो ही नहीं सकता ऐसा, यानी उम्मुल मोमिनीन आयशा ऐसी हो ही नहीं सकती, ये बेकार की बात है अल्लाह के रसूल, ये अफवाह है, झूठ है, झूठ का पलिंदा है, झूठी खबर है, आप ध्यान मत दीजिए, आप ये बात ही खबर है, निकल गए वहाँ से। वबिल्लज़ी यअलमु लहुम फी नफ्सिही मिनल वुद, और उनके दिल में मेरे ताल्लुक से जो मोहब्बत है सब उन्होंने जाहिर किया कि उम्मुल मोमिनीन आयशा ऐसे नहीं है। फ़क़ाल या रसूल अल्लाह अहलक वमा नअलमु लहु इल्ला खैरा, आपकी बीवी सिवाय खैर के और कुछ हम लोग नहीं जानते। व अम्मा अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु, अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल लम युज़य्यिक अल्लाह अलैक वन्निसाउ सिवाहा कसीर, कहा कि अल्लाह के रसूल अल्लाह ने आप पर औरतों को तंग नहीं किया है, एक नहीं आपके लिए बहुत सारी औरतें हैं, लेकिन बहुत सारे हैं लेकिन आयशा जैसी नहीं, ये असल मामला है, बहुत सारे हैं लेकिन आयशा जैसी नहीं है। तो अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने इतनी बड़ी बात कह दी, रज़ी अल्लाह अन्हु
बहरहाल एक इंसान थे, उनसे ये चूक हुई। लम युदयक अल्लाह अलैक व निसा उसीवा कसीर व इन तसअलिल जारिया तसदुका। अलबत्त एक मशवरा अच्छा दिया उन्होंने, कहा कि तुम्हारे घर में जो जारिया है, तुम्हारे घर में जो एक खातून है जो जरूरत के लिए आती जाती रहती है, उसको आप जरा पूछ लें तो आपके तालों से सही सही खबर दे देगी। قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريره بريره رضي الله عنها کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, کہا کہ اے بریرہ هل رأيت من شيء يريبك, کیا تم نے عائشہ میں, عائشہ رضی اللہ عنہ میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کا رہنا سہنا سب کچھ تم دیکھتے آ رہی ہو اور قریب سے دیکھتی ہو, ایسی کچھ نہ کچھ دور دور سے کوئی خبر ملتی ہے کیا کہ عائشہ سے ایسا کچھ کام ہو جائے جو تمہیں شک میں ڈال دے؟ انہوں نے کہا لا والذي بعثك بالحق, اللہ کی قسم کھا رہے ہیں جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اس کی قسم کھا کے کہتی ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, دیکھ رہے ہیں یعنی اللہ کی قسم اور آپ کی نبوت کا حوالہ دے کے بول رہے ہیں, آپ کو جس نے نبی بنایا حق کے ساتھ اس کی قسم کھا کے کہتی ہوں ہرگز بھی ایسا معاملہ نہیں ہے. ان رأيت عليها امرا اغمسه عليها سوى انها جارية حديثة السن تنام عن عجين اهلها فتاتي الداجن فتاكله, کہا کہ ان کے تعلق سے کوئی بات ایسی نہیں, بس ایک بات ہے وہ چھوٹی ہی, وہ عمر میں چھوٹی ہی, آٹا گوندتی تھی, آٹا گوندنے کے بعد اسے بیلنا اسے پھیلانا, اس سے پہلے نیند آ جاتی سو جاتی, بکری آ کے وہ آٹا کھا لے کے چلے جاتی, اٹھ کے دیکھتے ہاتھ خالی ہوتا, چھوٹی بچی تھی وہ, ایک چیز ہے ان کے اندر وہ, اس کے علاوہ ان کی عزت, ان کے اندرون, ان کا ظاہر باطن, یہ اللہ کی قسم ایسا تو کچھ بھی نہیں معاملہ. اس کے بعد انشاءاللہ کچھ باقی باتیں کل پڑھیں گے, انشاءاللہ آنے والی کلاس پڑھیں گے, اب یہ پورا پڑھیں گے آپ, اس کے بعد وہ آیتیں پڑھیں گے, ایسے معلوم ہو رہا اب نازل ہو رہے ہیں, ہم لوگوں نے واقعہ پڑھا نا, ایسے معلوم ہو رہا آیتیں اب نازل ہو رہے ہیں, جتنا ہمارا دل مضبوط ہو رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کے رسول کا دل مضبوط ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. جی آنے والے ہفتے پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.